तो अभी कैटरपिलर का चलाने आया है, प्रैक्टिकल कर रहा है मेरे साथ, उनसे बात करेंगे कि वो कैटरपिलर का ट्रेनर उनको क्या क्या ट्रेनिंग दिया और उनको क्या जानकारी मिला है। और आज इन्हें मतलब कैटरपिलर का प्रैक्टिकल कर रहा है, इनसे हम बात करेंगे ये कहाँ का है। और दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुदीप और फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस, आज आप लोग को मेरे साथ एक प्रैक्टिकली के लिए ऑपरेटर आया है, उनसे मैं रूबरू करवाता हूँ कि उनको कैटरपिलर का ट्रेनिंग क्या क्या दिया गया और वो मतलब कहाँ से ट्रेनर आया था उनको कैटरपिलर का ट्रेनिंग देने के लिए, और उनको ट्रेनिंग में क्या क्या समझाया गया और क्या क्या मतलब आइडिया दिया गया। तो गाइस, वो पहले यूक्लिड का डंपर चला रहा था, यूक्लिड का मतलब टाटा हिटाची यूक्लिड का डंपर चला रहा था, अभी कैटरपिलर के लिए वो ट्रेनिंग कर रहा है। उनका कितना दिन का थ्योरी था, अभी प्रैक्टिकल कितना दिन का है, उस बारे में आप लोग को उनसे बात करवाते हैं, पूछते हैं उनसे कि उन लोग का थ्योरी कितना दिन है और प्रैक्टिकल कितना दिन है। वो अभी मेरे साथ घूम रहा है, तो उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए, उनसे बात करेंगे कि वो कैटरपिलर का ट्रेनर उनको क्या क्या ट्रेनिंग दिया और उनको क्या जानकारी मिला है। और आज इन्हें मतलब कैटरपिलर का प्रैक्टिकल कर रहा है, इनसे हम बात करेंगे ये कहाँ का है और मतलब कैसे आया यहाँ पे। और तो गाइस, बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। तो दोस्त, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुरेश एक्का। हम सुरेश एक्का है, और कहाँ से हो? हम ओडिशा का है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। ओडिशा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है। फिर केट का मतलब फिर कंपनी में केट आएगा। तो फिर हम लोग एक बार ट्रेनिंग मतलब केट आएगा, तो अभी यूक्लिड से मतलब कैटरपिलर में आना है आप लोग को, इसीलिए भेजा है। तो वो ट्रेनर जो था वो कहाँ से आया था? वो आया था कलकत्ता से आया था। क्या क्या कैटरपिलर के बारे में आप लोग को क्या समझाया, क्या क्या सिखाया, क्या समझाया कैटरपिलर के बारे में, क्या क्या आइडिया दिया आप लोग को, कैसे चलाएंगे, कैसे मेंटेनेंस करेंगे, कैसे कंट्रोल रखेंगे, सब कुछ बताया। मतलब इंजन का सब कुछ बताया, इंजन के बारे में बताया, पार्ट्स के बारे में, सिस्टम के बारे में बताया, सब कुछ बताया, कैसे क्या चलाना है उसके बारे में बताया, सब कुछ बताया, कैसे ब्रेक करेगा, कैसे। आप लोग को कितना आदमी को मतलब अभी मतलब थ्योरी में मतलब ट्रेनिंग हुआ कैटरपिलर का, थ्योरी का ट्रेनिंग कितना आदमी का किया अभी जो कैटरपिलर के लिए, कैटरपिलर होल पैक के लिए? ट्रेनिंग में हम लोग गए थे 15 आदमी। 15 आदमी थे? 15 आदमी थे। अभी ये लोग का अभी आप लोग को हम लोग के साथ प्रैक्टिकल में कितना दिन के लिए भेजा है? अभी 15 दिन भेजा है। 15 दिन मतलब पहले से चला रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, पहले से चला रहे थे यूक्लिड। तो क्या होता है मतलब कोई भी गाड़ी चलाने से मतलब जैसा यूक्लिड चला रहता है तो मतलब अभी कैटरपिलर चलाने के लिए ट्रेनिंग देना पड़ता है। कैटरपिलर से बीमेल चलाना है तो बीमेल के लिए ट्रेनिंग देना पड़ता है। बीमेल से अगर कोमाक्सू चलाना है तो कोमाक्सू के लिए ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो कैसे वैसे ही ये लोग मतलब टाटा हिटाची का यूक्लिड चला रहे थे और अभी कैटरपिलर के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ट्रेनिंग में अभी थ्योरी के लिए मतलब ये लोग को भेजा है, 15 दिन का थ्योरी है, और ये लोग हम लोग के साथ ड्यूटी में 15 दिन तक ये लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, हॉर्न हो रहे, साउंडिंग हो रहे, वार्निंग लेवल चल रहे हैं, साथ में क्या चल रहा है, इंजन ऑयल प्रेशर। इंजन ऑयल प्रेशर लाइट चलने का मतलब हुआ कि हमारा मशीन में इंजन ऑयल प्रेशर लो हो चुका है। इस स्थिति में अगर हम इंजन को कंटिन्यू चलाएंगे तो मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर हमारा इंजन सी हो जाएगा। तो हॉर्न बजने से सबसे पहले ध्यान देना होगा कहाँ पे ये लाइट जल रही है, अगर ये नहीं जल रहा है तब देखना है कि इंजन ओवरस्पीड हो रहा है। लेकिन मेरा कहना है डंपर ऑपरेटर को हमेशा अंडर कंट्रोल स्पीड चलना चाहिए, इंजन ओवरस्पीड कभी होने नहीं देना। आपको हर स्टार्टिंग में जाके पहले मशीन को चक्कर घूम कर देखना है मशीन में कहाँ पे क्या है, इसमें क्या पता चल जाता है पता है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते होंगे ये जो हम लोग के साथ जो ट्रेनिंग के लिए आया है, इनसे पूछते हैं कि मतलब यूक्लिड का कैसा लग रहा था चलाने के लिए, और उसका सिस्टम कैसा है, फंक्शन कैसा है, और ये जो कैटरपिलर हॉल पे है ना, कैटरपिलर 770G, इनको मतलब इनका बारे में इनको कैसे लग रहा है, ये गाड़ी इनको कैसे लग रहा है चलाने के लिए, और इनका फंक्शन कैसा है, सिस्टम कैसा है। तो दोस्त, जो कैटरपिलर का मतलब चला रहा है इनका तो बीस ट्रेनिंग है 770G का, तो मतलब पहले जो यूक्लिड का चला रहा था उसमें लेफ्ट साइड का था, अभी बीच में स्टीयरिंग है, तो कैसे लग रहा है अभी चलाने में, मतलब कुछ अंतर आ रहा है कि कुछ तो अंतर है ना, इधर साइड में बैठेगा तो स्टीयरिंग तो इधर पूरा मतलब साइड में रह रही, इनका बोलने का मतलब जो साइड में स्टीयरिंग रहता है कभी भी जरूरत पड़ सकता है थोड़ा झांक के देख सकता है, लेकिन बीच में स्टीयरिंग है ना,
इधर उधर देखने नहीं सकेगा ना इधर। हाँ इधर उधर देखने नहीं सक रहा है, थोड़ा नया नया अभी चला रहा है कैटरपिलर, तो इनका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी नहीं है, थोड़ा गाड़ी चलाने में ध्यान दे रहा है, थोड़ा बात करने में और सबका सामने मतलब पूरा कैमरा के सामने भी बात करने का थोड़ा कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है दोस्त। तो आप लोग देख सकते होंगे ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं और चला रहे हैं अभी डंपर कैटरपिलर 770G। आप लोग को मतलब जो कैटरपिलर का जो ट्रेनर आया था वो ट्रेनर ट्रेनिंग जब आप लोग को दिया और जो ड्राइविंग करने के लिए टेस्ट ड्राइव लिया तो उसमें कैसे कैसे समझाया आप लोग को, क्या मतलब क्या बताया क्या समझाया और कैसे क्या ड्राइविंग, गाड़ी जब गाड़ी खड़ा रहेगा फास्ट स्टार्टिंग गाड़ी बढ़ाने टाइम, गाड़ी को फास्ट स्टार्टिंग स्टार्ट करके गाड़ी बढ़ाने टाइम कैसे गाड़ी बढ़ाओगे, तो उस बारे में कुछ बताया कि नहीं? गाड़ी चढ़ेगा तो चारों तरफ घूमेगा, सब देखेगा कहाँ कहाँ है कहाँ नहीं, सब देखेगा। उसके बाद मतलब गाड़ी जब गाड़ी चढ़ने टाइम गाड़ी स्टार्ट चढ़ने टाइम गाड़ी का चारों चारों मतलब चक्कर लगाना है, चेक चक्कर मतलब गाड़ी स्टार्ट करने से पहले चढ़ने से पहले उसका गाड़ी का तो चारों ओर घूमना है, मतलब गाड़ी कैसा है कैसा नहीं चेक करना है। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट मारेगा, उसके बाद तो आपको मैं पूछता हूँ, आप जो बताया अभी ब्रेक चेक करने के बारे में, मैं आपको पूछता हूँ ब्रेक के बारे में, जो खड़ा गाड़ी में ब्रेक का चेक कैसे करते हैं? खड़ा गाड़ी में ब्रेक कैसे चेक करोगे, आपका ब्रेक सही रहेगा गाड़ी खड़ा रहेगा उसमें आप कैसे चेक करोगे गाड़ी का, मतलब गाड़ी का ब्रेक कैसे चेक करोगे कि गाड़ी का ब्रेक सही है? जैसा कोई आदमी क्या करता है मतलब गाड़ी को स्टार्ट करता है बढ़ा लेता है उसके बाद मतलब ब्रेक मारता है एक ही बार, वैसे ब्रेक चेक करता है, तो आप खड़ा गाड़ी में कैसे ब्रेक चेक करोगे उसके बारे में आप लोगों को समझाया उसके बारे में कुछ बताया कि मतलब खड़ा गाड़ी में गाड़ी का ब्रेक कैसे चेक करते हैं? नहीं बताया। तो ऐसा रहता है सबका ट्रेनिंग देने का अलग अलग तरीका रहता है और अलग अलग मतलब ये रहता है, तो मतलब आप लोग जानते होंगे मतलब बहुत सारे लोग कैसे क्या करते हैं, मतलब गाड़ी को गियर में स्टार्ट करते हैं गियर में लगाते हैं और मतलब रेस करते हैं और उसके बाद गाड़ी को बढ़ा लेते हैं ब्रेक मारते हैं और ब्रेक चेक करते हैं। तो गाइस गाड़ी का ब्रेक वैसे चेक नहीं किया जाता है, खड़ा गाड़ी में अगर इंटरव्यू में आपको पूछा जाए कि खड़ा गाड़ी में आप ब्रेक कैसे चेक करोगे, ऐसा भी इंटरव्यू में सवाल आता है, तो गाइस एक दिन उस बारे में भी आप लोग के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये जो सुरेश एक्का का प्रैक्टिकल के बारे में कैटरपिलर प्रैक्टिकल के बारे में एक छोटा सा मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि गाड़ी से रिलेटेड या तो माइनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं।